हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 1.26 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये अमाउंट अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो इसी चीज से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि आज के डेट में सेमीकंडक्टर का इतना इम्पोर्टेंस है जिसको कि शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे आपके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो उस चीज में या उस गैजेट में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है। और सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया कितना ज्यादा जापान, साउथ कोरिया, ताइवान या चाइना पे डिपेंडेंट है, इसका एहसास तब हुआ जब 2020 में कोविड आया और तकरीबन पूरा दुनिया में जो ट्रेड व्यापार था वो शट डाउन हो गया। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि कोविड के बहाने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझ में आया कि अगर सच में हमें सुपर पावर बनना है तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसमें कि सेमीकंडक्टर को भारत में डिजाइन डेवलप किया जाए। और अब ये ऐसा लग रहा है कि भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे दुनिया में उभर के आएगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत पैसों का इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, उसके साथ जो इम्प्लॉइज होते हैं ये भी काफी हाई एंड इम्प्लॉइज होते हैं। कहने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट प्रोसेस है, और खास करके वैसे देश में सेमीकंडक्टर को बनाना या कंपनीज को इनवाइट करना जिस देश के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये और भी उस काम को टफ बना देता है। 2020 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझ में आना शुरू हो गया कि हम सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान या चाइना, यूएस, इन सब पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट किसी भी देश के लिए आज एक प्रॉपर डिफेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए अपने टेक्नोलॉजी को भारत में डिजाइन डेवलप करना है, क्योंकि दुनिया अब ट्रेडिशनल वॉरफेयर से हटके वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ मूव कर रहा है, इनफैक्ट कर चुका है। इन्हीं सबको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि वो 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जहां पे भारत में जो कंपनीज सेमीकंडक्टर बनाती है या वो इच्छुक है बनाने के लिए, उन सब के साथ वैसे कंपनीज कोलैबोरेट करने वाले हैं जो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जिनके पास काफी ह्यूज एक्सपीरियंस है। अब क्योंकि सेमीकंडक्टर को बनाना, डिजाइन करना, डेवलप करना बहुत ही टफ प्रोसेस है, तो इसके लिए जो इम्प्लॉइज होते हैं उनका जो रिक्वायरमेंट या उनका जो स्किल सेट होता है वो भी काफी हाई एंड का होना चाहिए। और ऐसा एस्टिमेटेड है कि भारत में अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो लगभग 10 लाख डायरेक्ट रोजगार मिलने वाले हैं आने वाले 5 साल में। और कुछ शहर जिसमें कि बेंगलुरु है, गुजरात है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, इनको कुछ एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि गुजरात वैसे ही बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका है। बेंगलुरु कहने की जरूरत नहीं कि वो किस तरीके से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है, या इनफैक्ट बहुत हद तक वो सिलिकॉन वैली बन चुका है। तो खास करके इन सब राज्यों में जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए जो डिमांड रहने वाला है वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर लेवल्स के पोजीशन का वो भी ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है, या एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि काफी हाई लेवल पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आने वाली है। और अगर मैं इस आर्टिकल को रेफर करूं तो इसके हिसाब से कुछ 15 से 20 लाख की एंट्री लेवल सैलरी होने वाली है, और जो कि लगभग 2.5 करोड़ एनुअली जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को या उसके सेटअप में या उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने के लिए कितना ज्यादा हाई एक्सपर्टीज चाहिए, और उसी के हिसाब से जो इंप्लॉइज है उनको भी सैलरी मिलने वाला है। ये सब कुछ कंपनीज L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज कह ले या AMD कह ले, ये सब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही बड़े जायंट है। इनफैक्ट हम ये कह ले कि ये मार्केट लीडर्स हैं। ये जनवरी 2021 का आर्टिकल है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया डेंजरसली डिपेंडेंट है
ताइवान के ऊपर सेमीकंडक्टर के लिए। और अगर हम इसी आर्टिकल को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है कि जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पूरे दुनिया में तो उसके बाद जो बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं उनको ये समझ में आता है कि वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है ताइवान, जापान, साउथ कोरिया के ऊपर सेमीकंडक्टर के लिए। और क्योंकि हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बातें कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए कि आखिर में चाइना का पोजीशन क्या है और चाइना किस तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर बना हुआ है। तो अगर 2022 का अगर हम रेफरेंस ले तो 2022 में ही 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था और एज पर रिपोर्ट इसको ये जो इन्वेस्टमेंट था इसको और भी बढ़ा दिया गया था। तो आप समझिए इस चीज को कि भारत अभी 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहीं चाइना 2022 में लगभग 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर चुका था। तो अगर चाइना उतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है चिप मैन्युफैक्चरिंग में तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए संकेत है कि अगर भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस गेन नहीं करेगा, अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर हमें साउथ कोरिया, ताइवान, यूएस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो कि कहने की जरूरत नहीं है कि जब भारत किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टेप लिया गया है सेमीकंडक्टर को भारत में डिजाइन, डेवलप, टेस्ट करने के लिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस कदम को अप्रिशिएट करना चाहिए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।